अध्यक्ष महोदय इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि सबसे ज्यादा तैयारी के लिए सदन के नेता ने न जाने कितनी ट्रिप लगाई होंगी, अनगिनत ट्रिप लगाई और हर चीज को देखा उन्होंने, सड़क कैसी बनेगी, सड़क के नीचे तार कैसे जाएंगे, सीवर कैसे जाएंगे नीचे, पेड़ कौन से लगेंगे, लाइट कौन सी लगेगी, सब तैयारी में जुटे रहे और जब भी मौका मिलता था भाग करके जाते थे देखने। वो गिनती तो मुझे नहीं पता अध्यक्ष महोदय, 70 बार वो गिनती तो मुझे नहीं पता अध्यक्ष महोदय, लेकिन कुछ गिनती तो होगी, 70 हो 75 हो 80 हो 100 हो जो भी हो गिनती तो होगी। लेकिन खुशी की बात है कि स्वाभाविक है किसी आयोजन में अगर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए तो हमें उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए कि जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो जो लोग ताली बजा रहे हैं हर लाइन पे ताली बजाना, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो उन्होंने न छोड़ी हो, हर कोशिश की। और वो कोशिश मुझे जब मैंने गवर्नर स्पीच पढ़ी तो गवर्नर स्पीच में मुझे देखने को मिला कि इस सरकार ने 31,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया अभी तक अयोध्या को सजाने के लिए, लेकिन जब पहली बार यात्रा हुई वहां पर दिल्ली वालों की तो जिन्होंने इतनी तैयारी की थी वो किस नंबर की गाड़ी में बैठे थे। ये बातें मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि एक बार मैंने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वीडियो ट्वीट कर दिया था और वीडियो ट्वीट का असर यह हुआ कि नेता सदन के साथ दिल्ली वालों ने शूटिंग की थी, फोटो कौन सी अच्छी आएगी, वो मेरे से बेहतर नेता सदन जानते होंगे। तो ये बात मैं नहीं उठाना चाहता था लेकिन क्या करूं, ताली बजवानी है। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। अध्यक्ष महोदय हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन जब सही समय आया तो फोकस से आउट थे। और फोकस इसलिए आउट थे ये बात तो चाचा की है नहीं, चाचा वाली मैंने पढ़ दी थी खजूर वाली बात, वो बजट में। और फिर जब फोकस में नहीं थे तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल से दिखे, और जो बहुत महंगा और आलिशान नहीं बोलूंगा मैं, महंगा लाल रंग का कारपेट बिछा, लाल कारपेट पर महोदय कहीं नहीं दिखाई दिए, अगर कहीं दिखाई दिए हो तो बता दें हमें, और वो भी लाल कारपेट पे मार्ग्ड था कि अध्यक्ष महोदय कहां मुड़ना है, और ये निर्देश थे कि लाल कारपेट पे कोई नहीं रहेगा। तो हमें लगता है कि लाइन में भी नहीं थे, साइड लाइन में थे।
क्योंकि जब कारपेट पे नहीं दिखे तो हम लोग देखा कि हैं कहां, तो ये लाइन में भी नहीं थे, साइड लाइन में थे। और लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में ना ला पाए। लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में ना ला पाए, इसे कहते हैं सच में चिराग तले अंधेरा होना। नीता सदन, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप चाचा के नाम पे हमें छेड़ते हो, मैं लेकिन कुछ लोगों के नाम पे आपको नहीं छेड़ना चाहता हूं। मैं समझ सकता हूं जो मुख्यमंत्री होता है कितने दबाव में काम करता है। सुना है किसी ने तस्वीर ट्वीट कर दी थी, वो भी डिलीट करनी पड़ी।